तनुपमा झा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की, तो झारखंड में अब मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना की तरह अकुशल श्रमिकों को न सिर्फ रोजगार की गारंटी दी जाएगी बल्कि रोजगार नहीं देने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बीच झारखंड से एक अच्छी खबर है। झारखंड सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए व्यस्क श्रमिकों को राज्य में सम्मान के साथ काम उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर अब शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार, श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में काम उपलब्ध कराया जाएगा। अगर समय पर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर पहले महीने न्यूनतम मजदूरी का 1/4, दूसरे महीने आधा और तीसरे महीने पूरा भत्ता दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे। लौट कर आए मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। खासकर अकुशल श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी मजदूरों के लिए बड़ी राहत होगी, जिससे पलायन रुकेगा और लोग बेफिक्र होकर अपने राज्य में काम कर सकेंगे। देश का स्तंभ है मजदूर, तो इसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी बना रही है कि कम से कम 100 दिन नहीं, मतलब उसको परमानेंट काम मिले। क्योंकि जब मजदूर है काम शहर में कर रहा है तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं कि हर आदमी को रोजगार मिले, शहर में भी मिले, गाँव में भी मिले। वही बीजेपी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पहले नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, किसानों के ऋण माफी की बात कही थी, अब बुजुर्गों को भी ठगने का काम किया जाएगा। इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को पढ़ने का काम वर्तमान सरकार करे, कांग्रेस के लोग करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करे। वहाँ उसमें भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे और उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है, न प्रयत्नशील है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुख्यमंत्री रोजगार योजना आज की मांग है। इस योजना के तहत जितने भी श्रमिकों के आवेदन आएंगे सभी को काम दिया जाएगा। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है जो सबसे खास है। चंदन, जी मीडिया, रांची।